लंबे समय से लटके पड़े सीयू के स्थायी भवन निर्माण को लेकर अब एनएसयूआई ने भी आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया है, जिसके तहत जहां धरना प्रदर्शन किया जाएगा, वहीं जरूरत पड़ी तो एनएसयूआई सीयू के स्थायी परिसर निर्माण हेतु अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने से भी पीछे नहीं हटेगी। ये बात एनएसयूआई के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी गौरव तशीरब, प्रदेशाध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता में कही। गौरव ने कहा कि एनएसयूआई शुरू से ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे को उठाती आई है। इसके निर्माण से कांगड़ा चंबा को लाभ मिलना है। भाजपा की सरकार केंद्र व प्रदेश में होने के बावजूद इसका निर्माण नहीं हो पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम जयराम ठाकुर कहीं और तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री सीयू को कहीं और बनाने की बात कह रहे हैं, लेकिन अब छात्र हित में एनएसयूआई सीयू की लड़ाई लड़ते हुए धरना प्रदर्शन करेगी और फिर भी बात न बनी तो अनिश्चितकालीन अनशन भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने नर्सिंग स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की मांग भी एक बार फिर से उठाई है। उन्होंने बताया कि धर्मशाला में एनएसयूआई की बैठक में भविष्य की रणनीति बनाई जाएगी, जिससे कि जो मुद्दे एनएसयूआई द्वारा उठाए गए हैं उन पर किस तरह से आंदोलन किया जाएगा। सीयू के नाम पर एनएसयूआई ने एबीवीपी पर भी दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। इस अवसर पर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पुनीत दीमान सहित अन्य पदाधिकारी व जिला भर के कॉलेजों के कैंपस अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। नहीं, ऐसी जागने वाली बात नहीं। हमने आपको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि पहले दिन से ही हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। पर इससे पहले जो स्टूडेंट्स के भविष्य का, जो पासिंग आउट स्टूडेंट थे कि भाई हमारे एग्ज़ाम्स बच्चों के लिए होने थे, वो एक ज़्यादा बच्चों को मानसिक तौर पे भी और वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। हम उस मुद्दे को ज़्यादा उठा रहे थे और उसमें ये जिद्दी सरकार थी जो बात नहीं सुन रही थी, जिसके लिए हमें उच्च न्यायालय तक जाना पड़ा और उस हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन्हें हमारी बात माननी पड़ी। और अब हम इस मुद्दे को भी पहले दिन से ही उठा रहे हैं और अब भी आज हम डीसी को भी एक नोटिफिकेशन मेमोरेंडम इस बारे में देंगे, अगर वो नहीं हमारी बात सुनते हैं तो, जैसे कि हमने अंदर भी बताया आपको, आमरण अनशन पे हम लोग बैठेंगे, अहिंसा अपने तौर पे हम लड़ाई लड़ेंगे छात्रों की। कड़ा कदम हमने लगातार इसका, अब अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, छात्रों के साथ बने रहेंगे और जिस भी तरीके से, जो भी तरीके से पॉसिबल होगा, सभी कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। मेन पहले इश्यूज एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला, दूसरा नर्सिंग स्टूडेंट्स का जो कन्फ्यूजन चल रहा है कि BSc नर्सिंग वालों को प्रमोट किया जा रहा है, बाकी जो दूसरे नर्सिंग कोर्सेज है उन स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। बाकी कुछ दिन पहले आपने खुद भी एक वायरल ऑडियो एक छात्रा की थी CM साहब से बात करते हुए, जो वायरल भी हुई थी, उन्होंने उसमें उन्होंने कहा था कि हाँ भाई हम करेंगे, लेकिन फिर भी उसके बाद ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी हुई ना ही वो इस पर कुछ कर रहे हैं, तो वो मुद्दा रहेगा। और बाकी जो आज की बैठक है, ये हमारी रेगुलर हर महीने की डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव की तरह एक रेगुलर बैठक है, जिसमें हम अपना पुराना हमने क्या काम किया उसके बारे में विचार करते हैं कि कैसे तरीके से हमने काम किया और आगे की क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से हमें आगे काम करना है, उसके लिए डिस्कस करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग है।